हेलो एवरीवन, जीवन ट्यूटोरियल्स आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। लास्ट टाइम हमने जूल थॉमसन इफेक्ट एंड जूल कोफिशिएंट जो था, जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। जूल लॉ के बारे में भी हमने काफी अब तक डिस्कस कर लिया है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। कुछ नहीं है, ज्यादा सिंपल है। टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन मतलब क्या, आपके पास म्यू की बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे, म्यू की बात करने वाले हैं। जैसे कि अब आपके पास ये, आपके पास क्या है, म्यू है। तो म्यू मतलब क्या, दिस इज जूल थॉमसन कोफिशिएंट। क्या ये जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जिसको हम यहाँ पे इससे भी डिफाइन किया था हमने, करली टी ओवर करली पी, करली टी ओवर करली पी से हमने डिफाइन किया था, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। तो इसके लिए अब इसको डिफाइन करना है मैंने, ठीक है। तो अब आपके पास टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन मतलब एक्चुअल में आपके पास क्या है, हर एक गैसियस जो सिस्टम है उसके लिए म्यू जो है पहले ही डिफाइन कर लिया गया है। तो म्यू जो होता है, कोई भी गैसियस सिस्टम है उसको अलग अलग तरीके से मतलब डिफाइन किया गया है, अलग अलग मतलब ओवरऑल एक तरीके से, बट अलग अलग का मतलब ये कि जो इन्वर्जन टेम्परेचर है फॉर डिफरेंट गैसेस वो डिफरेंट है। इन्वर्जन टेम्परेचर समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या मतलब हुआ इसका। एक्चुअल में जो टेम्परेचर है जिसपे हर एक गैस के लिए, स्पेशली ऐसा नहीं हो रहा किसी एक गैस के लिए, टेम्परेचर और इन्वर्जन मतलब कोई भी अगर आपके पास गैस है, अगर मुझे उसकी हीटिंग करनी है और कूलिंग करनी है, तो एक सेंटर पॉइंट उसमें बीच में आएगा जिसमें ना ही हीटिंग होगी ना ही कूलिंग होगी। तो उस टेम्परेचर जो आपके पास आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। क्या बोलेंगे उसको हम, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन मतलब ए टेम्परेचर विच इज डिफाइंड फॉर एवरी गैस। दिस इज ए टेम्परेचर लिमिट विच इज डिफाइंड फॉर एवरी गैस फॉर विच देर इज नो कूलिंग एंड नो हीटिंग। जिस पर ना ही कूलिंग होगी ना ही हीटिंग होगी ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो अगर मैं इसको अगर आगे भी लेके जाऊं तो आपको पता है कि म्यू जो है पॉजिटिव भी होता है एंड म्यू इज नेगेटिव आल्सो। ओके, तो जो इन्वर्जन टेम्परेचर है, अगर मैं उस टेम्परेचर की बात करता हूं, दैट इज म्यू जीरो, अगर मैं उससे नीचे आता हूं तो म्यू जो है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। नीचे आता हूं तो वहां पर क्या होगी, कूलिंग। वहां पे क्या होती है, कूलिंग। मैंने अच्छे से समझाया भी है आपको पहले। और अगर मैं ऊपर जाता हूं तो आपके पास म्यू जो है वो क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, और आपके पास क्या होगी वहां पे, हीटिंग। वहां पे क्या रहती है, हीटिंग। तो दिस इज इन्वर्जन टेम्परेचर। जो गैस है जब मैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन उसकी करता हूं इन डिफरेंट प्रेशर रेंजेस, तो आपके पास वहां पे या तो कूलिंग हो सकती है या तो हीटिंग हो सकती है या तो वो सेम रह सकती है, मतलब ना वहां पे हीटिंग होगी ना कूलिंग होगी, तीन ऑप्शंस हैं। अगर हीटिंग होती है तो हम बोलेंगे कि वहां पे क्या है, म्यू जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। और अगर कूलिंग होती है, कूलिंग होती है तो आपके पास म्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और अगर आपके पास हीटिंग होती है तो म्यू क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। चलिए अब एक रिलेशनशिप डिफाइन कर लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन म्यू, दैट इज जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट एंड और किसके बीच में, एंथैल्पी, एंथैल्पी। ओके, अब हमने किसके बीच में, जो हमने जूल थॉमसन कोएफिशिएंट डिफाइन किया है और एंथैल्पी डिफाइन की है, उनके बीच में रिलेशनशिप निकालना है। बड़ा सिंपल है, आपको पता है एंथैल्पी जो है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर एंथैल्पी टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर सकता हूं। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग, तो डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, करली एच ओवर करली टी, और बाहर क्या जाएगा, डी टी
प्रेशर प्लस क्या जाएगा, करली सॉरी करली एच ओवर करली पी एंड डीपी बाहर क्या जाएगा टी। तो ये आपके पास मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है। अगर मैं यहां पे डिफरेंशिएट किया है मैंने इस इक्वेशन को, तो आप नोटिस करेंगे यहां पे क्या आया है डी टी। अब मेरे को निकालना क्या है, म्यू के साथ रिलेशनशिप निकालना है। कैसे निकाल सकता हूं उसको मैं, अगर मेरे पास यहां पे क्या आ जाए क्या आ जाए, करली टी ओवर करली पी आ जाए, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं, सिंपली इसको डिवाइड कर देता हूं डीपी से। तो ऑन डिवाइडिंग इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या आ गया डीएच। अच्छा चलिए ये भी डिफाइन कर लेते हैं, एक चीज आपको जो डिफाइन नहीं करी, आपको पता है जो डीएच होता है वो किसके बराबर होता है, जीरो होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगी दैट इज आइसोएंथैल्पिक। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में आपके पास जो डीएच है वो किसके बराबर आता है, जीरो के बराबर आता है। अगर डीएच आपके पास जीरो के बराबर आता है तो मीन्स टू से अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे इसकी वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने ये डिफाइन कर दिया आपको कि डीएच इज इक्वल टू जीरो। अब अगर ये है तो इस रिलेशनशिप को मैं यहां पे फिर से लिख रहा हूं, करली एच ओवर करली टी, और यहां पे क्या रह गया डी टी रह गया, प्लस क्या आ गया करली एच ओवर करली पी, यहां पे क्या रह गया डी टी डीपी इक्वल टू क्या आ गया जीरो। ओके अब आपके पास मैंने, क्योंकि डीएच क्या है जीरो के बराबर है। ओके तो मीन्स टू से अब मुझे इसको यहां तक लेके जाना है, कहां तक, यहां तक इस रिलेशनशिप तक पहुंचाना है, मतलब मुझे यहां पे मतलब म्यू को ऐड करवाना है। कैसे करवा सकता हूं, अगर इसको मैं डीपी से डिवाइड कर दूं तो ऑन डिवाइडिंग बाय डीपी, ऑन डिवाइडिंग बाय डीपी, डीपी से डिवाइड कर देता हूं तो क्या आ गया आपके पास करली एच ओवर करली टी, यहां पे क्या आ गया डी टी ओवर डीपी एंथैल्पी की बात करूंगा, प्लस क्या आ गया आपके पास करली एच ओवर करली पी। ओके अब डीपी ओवर डीपी से क्या आ गया वन आ गया। ठीक है ओके इतना समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब मुझे देखिए यहां पे ये जो वैल्यू है इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ सकता है, म्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो अगर आप नोटिस करेंगे मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इसको म्यू ऐड कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या म्यू एंड दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या सीपी, इसके बराबर है ये सीपी के बराबर। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया बताया है कि एक जो है किसके कर ली एच ओवर कर ली टी किसके बराबर होता है, सीपी के बराबर होता है, प्लस क्या आ गया आपके पास करली एच ओवर करली पी, पी इक्वल टू क्या आ गया जीरो। अब मैं रीअरेंज कर सकता हूं इसको, अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूं तो क्या बन जाएगा यहां पर, सिंपल है क्या कि यहां पे सीपी यहां पे लिख रहा हूं मैं इनटू क्या म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये उस तरफ चला जाएगा माइनस, तो माइनस करली एच ओवर क्या करली पी, अभी क्या है टी, यहां पे म्यू रह जाएगा ओनली, तो सीपी को इस तरफ ले जाता हूं तो क्या आ गया वन ओवर सीपी माइनस का रह गया ये करली एच ओवर करली पी तो ये आपके पास रिलेशनशिप बन गया। इजी रिलेशनशिप है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, जिसमें आपके पास क्या मैंने म्यू डिफाइन किया है और म्यू को रिलेट किया है विद रिस्पेक्ट टू क्या कर लिया दैट इज एंथैल्पी। तो ये छोटा सा आपके पास रिलेशनशिप था जिसमें मुझे क्या डिफाइन करना था एंथैल्पी डिफाइन करनी थी। तो अभी तक मैंने आपके पास एंथैल्पी डिफाइन कर ली है। अब नेक्स्ट करते हैं, ठीक है जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है, चलिए थोड़ा सा आगे जो
म्यू है वो डिफाइन कर लेते हैं आइडियल गैस के लिए। तो जूल थॉमसन कॉफिशियंट, थॉमसन कॉफिशियंट फॉर आइडियल गैसेस, फॉर आइडियल गैसेस। ओके, तो मैं अगर बात करूं तो आपको पता है कि देर अगर हम कोई आइडियल गैस माने तो उसमें देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अगर आपके पास ना उसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना कोई रिपल्शन है, मतलब कि अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है उसमें ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है, तो उसमें मुझे एनर्जी खर्चने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इंटरनल एनर्जी को खर्चना नहीं पड़ना चाहिए। और अगर नहीं खर्चनी पड़ रही है तो जो स्टार्टिंग में इंटरनल एनर्जी थी वो फाइनल में भी रहने वाली है, और इसका मतलब ये हुआ कि देर शुड नॉट बी एनी फॉल इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कोई फॉल नहीं होता है तो मतलब म्यू क्या रहना चाहिए उसके लिए, जीरो। तो ये मुझे चेक करना है, ये मुझे थोड़ा रिलेशनशिप के थ्रू डिफाइन करना है कि क्या सच में ऐसा होता है। तो चलिए देखते हैं, आप लोगों ने एक रिलेशनशिप पहले भी निकाला था कि क्या म्यू इक्वल टू माइनस वन ओवर सीपी कर्ली एच ओवर कर्ली पी दिस वन। तो ये रिलेशनशिप आपने निकाल लिया था पहले, मुझे इसी रिलेशनशिप को एक्सटेंड करना है और आइडियल गैस तक पहुंचना है। तो कैसे कर सकता हूं, आपको पता है एच किसके बराबर होता है, दिस इज ई प्लस पीवी के बराबर होता है। अगर एच ई प्लस पीवी के बराबर होता है तो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं इस वैल्यू को, तो क्या आ गया म्यू विल बी इक्वल टू क्या माइनस वन ओवर सी पी। एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं मैं यहां पे, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, करली बाहर आ गया, एच की वैल्यू क्या आ रही है अंदर ई प्लस क्या पीवी दिस वन डिवाइडेड बाई करली पी दिस वन। ओके, अब आपके पास मैंने इतना सा कर लिया है, मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं क्या, कर सकता हूं क्या म्यू इक्वल टू क्या माइनस वन ओवर सी पी, इसको मैं सेपरेट कर रहा हूं तो करली ई ओवर करली पी, इसको मैंने सेपरेट कर लिया, प्लस करली पी वी ओवर करली पी दिस वन, सॉरी दिस वन। अब आपके पास मैंने ये कर लिया, ठीक है। अगर मैं यहां पे देखो, यहां पे करली बी से डिवाइड कर लू, इसे डिवाइड कर लू करली बी से, दोनों तरफ डिवाइड कर लू, तो यहां पे स्पेशली तो क्या बन जाएगा, देखिए यहां पे म्यू लग जाएगा, आपको इसलिए पता कि क्या बोल रहा हूं मैं, पीपी करली ई ओवर क्या करली बी, मतलब वन से ही डिवाइड कर रहा हूं, वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इनटू करली बी ओवर क्या करली पी दिस वन। ठीक है, मैंने एक्चुअल में करली बी ओवर करली बी से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है, मतलब अब देखो अगर यहां से ये तो वन ही आएगा, तो मतलब मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूं, प्लस क्या आ गया करली पी वी ओवर करली पी एंड दिस वन। अब मुझे बताइए कि मैंने जूल्स लॉ के थ्रू क्या बताया था आपको, कि जूल लॉ के थ्रू आपको पता था, अकॉर्डिंग टू जूल लॉ, यहां पे डिफाइन कर रहा हूं मैं इसको, अकॉर्डिंग टू जूल लॉ फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस क्या होने वाला है आपके पास, करली ई ओवर करली बी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या रहता है, जीरो। मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया था कि आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो, तो मींस टू से अब आपके पास यहां पे क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। तो मतलब ये वैल्यू तो ओवरऑल क्या होगी, जीरो, ये वैल्यू आ गई जीरो। तो फर्स्ट आपके पास वैल्यू जीरो आ गई, सेकेंड अब मुझे यहां पे ये चेक करना है कि ये कितनी आती है। ओके, देखिए आपको पता है आपके फॉर आइडियल गैस जो आपके पास वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रेशर होता है। तो पीवी विल बी इक्वल टू किसके बराबर, कांस्टेंट में कंसीडर कर सकता हूं, पीवी किसके बराबर होता है, कांस्टेंट होता है आइडियल गैस के लिए अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो मतलब कि अब आपके पास अगर पीवी कांस्टेंट है
तो कौन सी टर्म आ सकती है आपके पास? जीरो। ये कंप्लीट टर्म क्या आ जाएगी? जीरो। तो मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं कर्ली पीवी ओवर कर्ली पी इज इक्वल टू क्या आ गई? जीरो। देखिए अब मैंने ये दो चीजें जो है क्या कर ली? जीरो। अब देखिए ओवरऑल जो है क्वांटिटी क्या आ गई? जीरो आ गई। तो मतलब कि सीपी को मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब इसको इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा अंदर जीरो से, तो म्यू क्या आ जाएगा? दैट इज आल्सो जीरो। म्यू भी क्या आ जाएगा? जीरो। तो फॉर एन आइडियल गैस देयर इज नो हीटिंग नो कूलिंग। अगर आप वहां पे एडियाबेटिक एक्सपेंशन करते हैं आइडियल गैस के लिए तो देयर विल बी नो हीटिंग नो कूलिंग। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके इंटरनल एनर्जी खर्च नहीं होने वाली। किसके लिए? जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शंस है किसको? इसके अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो प्रेजेंट है। तो ये आपके पास छोटा सा रिलेशनशिप था जो जिसमें हमने म्यू को डिफाइन किया फॉर आइडियल गैस के लिए, कि आइडियल गैस के लिए जो आपके पास वैल्यू रहती है वो क्या रहती है? जीरो रहती है। आप इस तरीके से बता सकते हैं कि जो ज्यू थॉम्पसन कोएफिशिएंट है दैट इज जीरो फॉर आइडियल गैस। तो चलिए दिस इज सफिशियंट फॉर नाउ, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक्स। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।